दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर ये क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ और इसी से बेस पर आप लोग तैयारी करिएगा तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग परीक्षा में आराम से बना नहीं सकेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम डिट्टो वही फॉर्मेट में फाइनल एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का रहेगा वो तो पेसेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पेसेज तो दिया हुआ ही है और पेसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। डिसिप्लिन का बात कर रहा है, डिसिप्लिन इन नेसेसरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उसके मैं क्वेश्चंस नीचे में करवा दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को पहले मैं करवा देता हूँ जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ होता है, तो होता है डिसिप्लिन, काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव, ठीक है। बात कर रहा है कि क्या चीज़ बिना डिसिप्लिन के आदमी क्या अचीव कर सकता है, दुनिया से क्या प्राप्त कर सकता है, तो नथिंग वर्थलेस इन लाइफ ऑप्शन नंबर दो होगा, यानी कि कुछ खास चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता, बिना डिसिप्लिन के आदमी कुछ खास प्राप्त करता कर नहीं सकता इस दुनिया में। तीसरा देखिए, डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट इट, इसमें क्या भरा जाएगा, तीसरा नंबर में भरा जाएगा क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट इट विन्स अलॉट, ऑप्शन नंबर चार होगा इसका सही आंसर। फिर तो चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज डिसिप्लिन रीस्टेन अस फ्रॉम मिसयूजिंग, तो ये का सही जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, आवर लिबर्टी हो जाएगा, ठीक है। उसका पांचवा देखिए, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नीड, देखिए पैसेज से एक वर्ड खोजना जिसका मतलब नीड होता है, नीड का सेम मीनिंग होता है, नीड का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, जरूरत, यानी ऑप्शन उसमें से नेसेसिटी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर छः से लेकर दस तक, यहाँ पर छः से लेकर दस तक ये पूरी तरह से इस लेटर्स पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो लेटर तो पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर माय डियर राकेश, राकेश को लेटर लिखता है, उसमें क्या लिखता है, कंग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड डैश इन क्लास एट एग्जामिनेशन, योर ग्रैंड डैश यानी कि ग्रैंड सक्सेस, यानी कि जो कुछ तो क्लास में कुछ किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया वो भरना है। तो छः में क्या भरा जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चार को ऑप्शन क्या है, एक है सक्सेस, तीन नंबर है सक्सेस, यानी कि जो सक्सेस है SUSS, ये ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ, ये सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं, देखो इसमें गलती लिखा, ऑप्शन नंबर एक होगा सक्सेस सही आंसर, ठीक है। उसके बाद इस पैसे को फिर से पढ़ते हैं, देखो इन क्लासरूम एट एग्जामिनेशन आई वाज रियली ग्लेड टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, आई वाज रियली ग्लेड यानी कि मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने नाम मेरिट लिस्ट में देखा। तो ग्लेड टू क्या होगा, ग्लेड टू सी होना चाहिए सात नंबर में, सात में ऑप्शन नंबर एक में है ना सी, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद पैसे को आगे पढ़ते हैं, देखिए उसके बाद यहाँ का ऑप्शन यहाँ से देखते हैं कि योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ, तुमने अपना जो है जो वैल्यू है उसे प्रूव कर दिया, यू डिजर्व इट, तुम्हें डिजर्व करता है ये बोला, रियली गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देमसेल्फ, यानी कि गॉड हेल्प उसी करता है जो खुद का मदद करता है। ऑप्शन नंबर आठ में क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आठ में भरा जाएगा ऑप्शन नंबर चार, हु भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं नौ नंबर, देखिए नौ नंबर भरने के लिए पहले आते हैं यहाँ से पढ़ते हैं, यू हैव ब्रॉट फेम टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट, वी डैश ऑल प्राउड ऑफ यू, योर ग्रेट सक्सेस, वी डैश, ऑप्शन नंबर नौ में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर नौ में भरा जाएगा एक आर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर है दसवां नंबर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बंडल डैश कॉन्ग्रेचुलेसन, तो दसवां नंबर में क्या होना चाहिए, बंडल ऑफ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर तीन है जो है ना ऑफ, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रामेटिकल पार्ट में, यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, खाली जगह दिया हुआ पहला क्वेश्चन है। ग्यारहवां नंबर देखते हैं, देयर डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, तो यह क्या बनाएगा, दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, ऑप्शन नंबर दो होगा इसका सही आंसर। बारह देखिए, द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, पास्ट परफेक्ट फॉर्म की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या होना चाहिए कि हैड होना चाहिए प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, ये किसमें है, और सही है दे हैड वन द मैच लिखा हुआ, ये जो सही है ऑप्शन नंबर तीन हो गया। तेरह देखिए, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ये जो ऑप्शन नंबर एक है इज, ये सही हो गया। चौथा देखिए, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम,
तो माय फादर एंड ब्रदर हैव कम हो गए, सही आंसर। ठीक है, 15 देखिए, आई सॉ डैश यूरोपियन, तो आई डैश ऑप्शन नंबर एक ए यूरोपियन होगा यहाँ पर, और आ जाएगा ए। ठीक है, 16 पे आते हैं, ही फेल डैश द रिवर, तो ही फेल इन टू द रिवर होगा इसमें। ठीक है, 17 देखते हैं, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़रूरी वाली बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन मस्ट हो रहेगा। ठीक है, 18 देखिए, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें भी मस्ट बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर, यू मे डैश गो डैश यू लाइक, यू मे गो वेयर यू लाइक, यहाँ पे वेयर तो है नहीं, व्हेन यू लाइक, हु यू लाइक, व्हाट यू लाइक, ये व्हेन यू लाइक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 20वां नंबर देखते हैं, 20 में है कि द पैसिव वॉइस ऑफ डैश आई हैव नॉट रीड ए बुक इज, आई हैव नॉट रीड ए बुक इज का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो ए बुक हैज नॉट रीड बाय मी, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ए बुक हैज नॉट रीड बाय मी, ये सही आंसर है। ठीक है, अब आ गया क्रू सेक्शन सी, जो लिटरेचर से, लिटरेचर यानी कि आप लोग को किताब से बेसिस पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो एक प्रोज सेक्शन दिया हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर से। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन है नीचे में, 21 नंबर देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज डैश ए या एन एवरेज स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, यानी एवरेज स्टूडेंट था अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो है शुरू से एवरेज स्टूडेंट रहा है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर डिड आइंस्टाइन पास द हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल एग्जाम ऑप्शन नंबर 3 एट म्यूनिक में पास किया, तो म्यूनिक एक जगह है, वहाँ से उसने हाई स्कूल एग्जाम पास किया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर में, आइंस्टाइन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, बात कर रहा है कि आइंस्टाइन जो है ना स्कूल से हेट करता था, नफरत करता था, ये किस सेंटेंस से पता चलता है। ये 4 नंबर देखिए, ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, इसे स्कूल का जो रूल रेगुलेशन तो नियम कानून था वो पसंद नहीं था। ठीक है, 24 देखिए, व्हाट इज द वर्ड क्लासेड मीन हेयर, क्लासेड का क्या मतलब होता है, तो आर्ग्यूड ऑप्शन नंबर 3 आर्ग्यूड योर सही आंसर है। 25 आ जाते हैं, देखो 25 में क्या है कि हु फाउंड ए रियल बुक, हु फाउंड ए रियल बुक, तो इसका सही आंसर होगा टॉमी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक अच्छा से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को सकना चाहिए। ठीक है, 26 में देखिए, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू, बिस्मिल्लाह खान किससे काफ़ी जुड़े हुए थे, तो द गंगा, जो गंगा नदी थे वो कैसे जुड़े हुए थे काफ़ी। ठीक है, फिर आते हैं 27 पे, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे, जो लड़की छोटी लड़की होता है वो अपने पापा को खुश करने के लिए उसको बर्थडे में, बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट बनाती है, तो ये क्या बनाती है, पिन कजिन बनाती है, कजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। 28 देखिए, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, माउंट एवरेस्ट कितने साल में चढ़ी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 20 ईयर सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया 20 ईयर। अगर आप लोग पूछते कि माउंट एवरेस्ट कितने बार चढ़ी है, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। ठीक है, अब हो गया पोइट्री से क्वेश्चन है, पोइट्री यहाँ पे आप लोग का एक पोएम दिया हुआ है। ठीक है, तो ही वुड वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द माइंड विल बी फ्रेंड विथ अस। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ, पहला 29 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, तो ये पोएम किसने लिखा है, तो सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही आंसर। 30 देखते हैं, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन, तो इसमें ही कौन है, तो ऑप्शन ही है इसमें, द वाइंड का बात कर रहा है, हवा का बात कर रहा है। ठीक है, 31 देखिए कि वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, हमें अपने घर के जो दरवाजे हैं उसे मजबूत क्यों बनाना चाहिए, तो यह कहता है कि द वाइंड डिस्ट्रॉय पिक होम एंड डोर, जो कमज़ोर घर और दरवाजे होते हैं वो जो हवा होता है वो तोड़ सकता है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 32 में क्या है कि हाउ कैन वी बी फ्रेंड विथ वाइंड, वाइंड के साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं हम लोग, तो बाय मेकिंग वंस होम डोर एंड बॉडी हार्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया सही आंसर। 33 देखिए, द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाय, द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाय, इसका सही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखा है। ठीक है, 34 पे आते हैं, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन,
जो बारिश होता है तो पॉट को क्या करना कमेंट करता है, तो ले डाउन मैंने लेट जाने का मन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन है 35। ठीक है, वाई द चाइल्ड क्राइंग, चाइल्ड जो है छोटा बच्चा है वो क्यों रो रहा था, तो ही लॉस्ट हिज पेरेंट, वो अपने माँ बाप को खो दिया था इसलिए रो रहा था। 36 देखिए, इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज एडवेंचरस ऑफ टोटो वाला कहानी में टोटो क्या है, तो वो है ए बेबी मंकी, ऐसे छोटा जो बच्चा वाला मंकी होता है वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन 37 नंबर पर आता है, व्हाट बुक डिड ईश्वरन रीड, ईश्वरन कौन सा बुक पढ़ता है, तो तमिल थ्रिलर बुक पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर एक हो गया इसका सही आंसर। 38 देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डेथ, अच्छा ये हो जाएगा डुड्डू, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। फिर देखते हैं 39 क्वेश्चन पे, द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल डेथ, हैप्पी प्रिंस क्या थे, एक ब्यूटीफुल स्टेच्यू था, यानी कि एक मूर्ति था। ठीक है, उसका देखते हैं 40वें क्वेश्चन पे, 40 में द टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, जो प्रशांत था वो किस गांव के रहने वाले थे, तो काली कूड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, तो मैंने ये अब तो का 50 नहीं, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन से पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर है वो मैंने आप लोग का करवा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।